तो ये है तात कैफे, तत कैफे एक्चुअली बोलते हैं, और एकदम बीटर्स के बगल वाले हैं। यहाँ तो चेयर्स है बट इट्स लो सिटिंग। बहुत ही बड़े मैं यहाँ एक ऑर्डर का प्लाटर जिसमें मुझे बेसिकली ये जूस मिला है, ऑरेंज जूस, फ्रूट प्लाटर, और अब एक और पूरा आएगा जिसमें सब्जी वगैरह रहेगा, ब्रोकली रहेगा, हमस रहेगा और रोटी रहेगा। 300 रुपये लगे, बहुत ही सही का। पर व्यू जो है ना अमेजिंग, अपना आराम से आप जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ, पाँव सेक रहा हूँ, बहुत ही सही है। मतलब ज़रूर आइएगा, बीटर्स कैफे, तक कैफे, दोनों आने लायक है डेफिनेटली। शाहरूम हॉस्टल में और यहाँ शाहरूम हॉस्टल का कैफे में, यहाँ मैंने मंगाया बैड एस बर्गर और काफ़ी अच्छा है बेसिकली बर्गर। इसमें पनीर के कुछ स्लाइसेस है, वेजिटेबल है, फ्रेंच फ्राइज है, ये सैलड है, सैलड भी एक्सेलेंट है। देखते हैं बर्गर कैसे खाने, बच्चे के इसमें क्या इंडियन फूड के मामले में तब आराम से खा सकते हो, बेफिक्र सब जगह अच्छा मिलेगा, कहीं भी आप खा लो। यस, पिज्ज़ा वगैरह के लिए आपको थोड़ा देखना होगा कि कहीं अच्छा मिलता है कहीं अच्छा नहीं मिलता है, तो ये बस ध्यान में रखिएगा। बाकी इंडियन खाना तो कहीं भी खा लो, चाहे ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, काफ़ी हो, सब जगह अच्छा। ऋषिकेश में कई बाबा आते हैं और यहाँ काफ़ी सत्संग होते रहता है, जैसे अभी मुझी बाबा का चल रहा है। मैं इनफैक्ट सुबह होके भी आया था, बहुत ही बढ़िया था। अगर आपको चांस मिले तो ज़रूर उनका सेशन अटेंड करिएगा, बहुत अच्छा बोलते हैं। फिर यहाँ शांति माए, फिर प्रेम बाबा है, और भी कई सारे, मतलब सारा साल लगा रहता है। सामने देख रहे हो ऊपर है तत कैफ़े और नीचे है बीटल्स कैफ़े। मैं दोनों जगह गया हूँ और एक्चुअली दोनों का अलग एंट्रेंस है, दोनों अलग बिल्डिंग है, पर यहाँ से लग रहा है जैसे कि ऊपर नीचे तल्ला है, एक ही बिल्डिंग है। समझ में आ रहा है कि कैसे क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये चार बेड डॉर्मेट्री जिसमें मैं रुका हूँ, और लॉकर्स, अभी हम लोग बीच पार्टी के लिए निकले हैं और लक्ष्मण झूला से केवल 7-8 मिनट का वॉक है नीचे की तरफ, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और लिफ्ट हॉस्टल में जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ से ये बेसिकली फ्री है, कोई चार्ज नहीं कर रहे, तुम लोग का 7-8 जन है, और बहुत ही सही। यहाँ कुछ गेम्स है, बॉल वगैरह है, योगा मैट ले रखे हैं। अभी हम लोग यहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसके बाद फ्रिस्बी खेलेंगे। पर पानी में उतर रहे थे ना, तो पानी में मिट्टी वाले में ऊपर से मना कर दे, बोले भाई पानी में मत उतरो क्योंकि काफ़ी ऊपर है पानी का लेवल। वो अलग बात है कि अभी हो रहा है राफ्टिंग वगैरह हो रहा है, पर पानी में उतरना मना कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इतना मेजर इशू होने वाला है, बट स्टिल मना किए तो अपने को उनका सुनना चाहिए, बिकॉज अपनी सेफ्टी के लिए वो बोल रहे हैं। I got a good video of that, you know. Let me see how it. अब फुटबॉल खेला जा रहा है, तो जैसा स्पोर्ट जो समझ में आ रहा है वैसे खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। गंगा बीच कैफे, बार है सामने पे, वन में एक सीट खाली है ना। हाँ हाँ सर देख लो। अरे वाह, ये सही है ना। हाँ ये सही है, यही ठीक है। हाँ
गंगा बीच कैफे में बैठा और काफ़ी पॉपुलर जगह है ऋषिकेश का। देखिए यहाँ का खाना कैसा, सुने तो बहुत बढ़िया इसका है और व्यू तो अमेजिंग है, तो व्यू के लिए तो आप ज़रूर आओ। तो अभी मैं ऑर्डर किया हूँ वेज बिरयानी। सी यू, बाय बाय। एकदम खट्टा मीठा काइंड है, स्पाइसी भी हल्का सा, बहुत बढ़िया। मैं अभी टैक्सी में बैठा हूँ और मैं गट्टू का जा रहा हूँ तपोवन से। तो बेसिकली वहाँ मेरा कैंपिंग है, अस्मिन कैंपिंग, वहाँ एक दिन के लिए मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ। और एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा, सही बोले तो इसके पहले मैं कुर्सी में रुका था बूझ है, अब उसके बाद रुका हूँ आपके लिव फ्री हॉस्टल में। तो आपको लग्जरी में जाना हो तो बूझ इज़ वेरी गुड, पर आपको काइंड ऑफ अ मोर इनफॉर्मल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, एक्चुअली प्योर हॉस्टल काइंड ऑफ, तब यहाँ लिव फ्री हॉस्टल बहुत ही सही है। बाकी तब काम भी एक्चुअली इंटरेस्टिंग होना चाहिए, से कैसे रहता है। कैंप्स में हूँ और ये मेरा टेंट है। यहाँ का वॉशरूम, और ऐसे कई टेंट्स हैं, इस साइड भी है। चार बजे है और हम लोग भी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ से गाड़ी से जाएंगे ऊपर, फिर करीबन एक घंटे का ट्रैक है, मतलब ऊपर जाना और आना। वाटरफॉल है बेसिकली, पटना वाटरफॉल, वो देखने जाएंगे, देखते कैसा रहता है। अच्छा खासा हाइक हो गया ऊपर तक जाने का, तो सांस फूलने लगा। तो उन्होंने कहा कि सांस फूलता हो ना तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, छोटे स्टेप्स लेंगे ना तो आपके ऊपर बेसिक स्ट्रेन नहीं आएगा बॉडी के ऊपर, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ। अब गाड़ी से आ गए, करीबन 10-12 मिनट का कार राइड था, अब यहाँ से ट्रैक होगा, देखते कितना समय लगता है। अभी तो ट्रैकिंग पे आया हूँ। पटना वाटरफॉल इसलिए पड़ा नाम क्योंकि बगल में गांव है जिसका नाम पटना है। टेकआउट उन्होंने बहुत पते की बात बताई, एक तो छोटे स्टेप्स अपने को लेना ही चाहिए, दूसरा स्पीड भी कांस्टेंट रखना चाहिए, यानी कि कभी स्लो कभी फास्ट, वैसे नहीं इसमें बेसी थक जाते हैं। दूसरा बेसी देख रुकना नहीं चाहिए, बोले बेसी देख रुकने से बॉडी को आराम का एहसास होता है, फिर बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी वैसे बन जाता है। तो बेसी देख रुके नहीं, चलते रहे कांस्टेंट स्पीड में। तो फाइनली पटना वाटरफॉल पहुंच गए। 15 मिनट का ट्रैक था, जैसे कि खाने पीने का इंतज़ाम है, मैगी चाव खाना पीना हो, बिस्किट्स वगैरह, पानी वगैरह का भी इंतज़ाम है। 15 मिनट का हाइक था केवल, पर स्टीप हाइक है ज़रूर, बट एनी डे आराम से आप कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड व्हाट अ व्यू, अमेजिंग। बिल्कुल। ये वाटरफॉल आपकी पूरी थकान मिटा देता है यहाँ पहुँचने पे। एकदम एकदम बिल्कुल। हाँ थ्रिलिंग। हाँ हाँ ये बीच रास्ते में आया, हम लोग नीचे आ गए, पहले पटना वाटरफॉल देखे, बहुत ही बढ़िया इलाका है। और वहाँ एकदम हल्का सा सनसेट हो रहा है और बालू भी इसके एकदम मुलायम है, एकदम वाइट सैंड, बहुत ही सही है, अमेजिंग। बहुत ज़रूरी है ये सब जगह आना, स्पेशली अब अकेले आना, बस उनका आवाज़ सुनो पानी का, और अब घंटों बैठ सकते हो, इतना सही लगता है। बस हाइक से वापस लौटा हूँ और करीबन 15-20 मिनट का हाइक था, ऊपर जाना आना रहना करना, मैं टोटल मिला के यहाँ से भी 15 मिनट लगा वहाँ पहुँचने में, तो टोटल करीबन 2-1 घंटा लग गया, बहुत सही था।
तो पटना वाटरफॉल ज़रूर करिएगा, डेफिनेटली इट्स अ मस्ट, बहुत सही है ये। एक्चुअली क्या ना, पटना वाटरफॉल आपका नीलकंठ भी जब जाओगे ना मंदिर, उसके भी रास्ते में आता है, तो वो भी आप कर सकते हो। जब नीलकंठ मंदिर जाओ तब वो पटना वाटरफॉल भी कर लिए और फिर वापस लौट गए ऋषिकेश, तो ये भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट दो वाटरफॉल आते हैं, पटना वाटरफॉल और एक और वाटरफॉल आते हैं, दोनों आप कर सकते हो। कल सुबह भी हम लोग का प्लान हाइक करने का एक छोटा सा वाटरफॉल में, तो आई बिलीव वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। वेल, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में बॉन फायर होगा बेसिकली, और डिनर होगा, गाना बजाना होगा, डांस होगा, बारबेक्यू हो सेटअप हो रहा है, सो इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुड बी गुड। ट्रैकिंग जब मैं कर रहा था ना, तो मैं गाइड से पूछ रहा था कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैकिंग का जो हमें बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे उन्होंने कहा, चढ़ते वक्त जैसे स्मॉल स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, और चलते रहना कॉन्स्टेंटली, और थर्ड थिंग बेसीधे रुकना नहीं है। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो। वैसे ही बहुत ज़रूरी है, अगर आप बेसिकली आपका ड्राई थ्रोट हो गया है, तो आप कुछ पानी हमेशा ले जाओ ट्रैकिंग के समय। बोले क्या होता है ना कि जो गला है वो सूख जाता ही है, ड्राई होता ही है, बिकॉज चढ़ते वक्त काफ़ी पसीना भी आता है, स्टैमिना भी काफ़ी बर्नड आउट होता है, कैलोरीज एंड ऑल। तो बोले आप पानी कैसे पियो, जैसे जब मैं पहुँचा तो मैंने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, तो मैं क्या आधा वाटर पी जाओ, काफ़ी जोर प्यास लग रही थी। बोले वो तो आप करना एकदम सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक पानी नीचे पेट तक नहीं पहुँचता है ना, तब तक सही नहीं है आपका ट्रैकिंग करना, फिर आपको एकदम अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सिस्टम क्या है, अब जब पानी पियो ना, तो सिप सिप लो, छोटे छोटे सिप्स लो, राधा देन एक साथ पानी गल्प कर लेना। तो ये ध्यान रखिए, जब भी ट्रैकिंग करो थोड़ा सा पानी अपने साथ कैरी करो, और छोटे छोटे सिप लेके आप करो, तो सही रहेगा आपके लिए। और बोले कि जो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग होता है ना, जहाँ काफ़ी अच्छा खासा स्टैमिना या बहुत लंबा ट्रैक होता है, उसमें क्या करना चाहिए कि सुबह आप ग्लूकोज मिक्स कर दो पानी में और फिर पियो, तो और भी अच्छा रहेगा, उससे स्टैमिना आपका और बिल्डअप होगा। तो अगर लंबा ट्रैक है तो वो भी कर सकते हो, वो भी सही रहता है। या अखरोट खा ले, अखरोट से बहुत स्टैमिना मिलता है, तो सुबह अखरोट खा लो ट्रैकिंग करने के पहले, वो भी सही है। तो एनीथिंग विच गिव्स स्टैमिना, जैसे अखरोट वे, जो भी आपके नट के हैं वो सब आप खा सकते हो। एंड पर ग्लूकोज बेस्ट है, बोले ग्लूकोज पानी मिक्स करके वो सबसे बढ़िया है। तो अभी 7:00 सुबह का, पर थोड़ा सा क्लाउडी ओवरकास्ट है स्काई, इसलिए अभी सूरज नहीं दिखाई दे रही, तो सामने से सनराइज देखता, पर हाथ भी एकदम फ्रीज हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऋषिकेश में हाथ फ्रीज हो गए इस समय, कि कल तो गर्मी लग रही थी। वैसे कल का लंच बहुत ही बढ़िया था, बेसिकली चावल था, काली दाल था, खीर था, बैंगन का अचारी बैंगन का, मैं बैंगन का सब्ज़ी खाता नहीं हूँ, पर यह मज़ा आ गया खा के। मैं भी अचारी बैंगन तो चटपटा था इसलिए अच्छा लगा, सैलेड था, तो ये सब था। और डिनर के समय बेसिकली आपका पनीर बटर मसाला था, अगेन येलो दाल था, चावल था, चपातीस थे, और सूजी का हलवा था, पास्ता भी था लंच में, सो और काफ़ी कुछ आइटम्स थे। सो खाना तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। और शाम को भी उन्होंने दिया था फ्रेंच फ्राइज और मसाला पीनट्स, और बॉनफायर के अराउंड सब बैठे हुए थे करीबन 7:30-8:00, काफ़ी लोग हो गए थे, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। आप पाउन कैंपिंग ज़रूर करो, स्पेशली बॉनफायर जो होता है, म्यूज़िक चल रहा था, और भी जो सामने भी बहुत सारे कैंप्स हैं वहाँ भी म्यूज़िक चल रहा था, कई जगह और भी बॉनफायर हो रही थी, तो वो आप सेलेक्ट करो ना कौन सा कैंप अच्छा, रिव्यूज़ देख के जाओ तो सही रहेगा, तो आपको मज़ा आएगा। ये कैंप तो बहुत ही बढ़िया। देखिए कैंप में आप बेसिक चीज़ एक्सपेक्ट करिए, कोई लक्जरी तो नहीं है यहाँ, आपको ऐसा नहीं कि आपको गर्म पानी शावर से मिलेगा, ठंडा पानी नल से आता है, पर अभी तो क्या इतना ठंड है ना, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है, तो गर्म पानी चाहिए। अब अगर आपको नहाना हो तो आपको बाल्टी से नहाना पड़ेगा, वो जो गर्म पानी करके दे देंगे और तब आप नहा लो। उसका भी टाइमिंग है, ये नहीं कि पूरा दिन गर्म पानी, वो गर्म होते रहता पानी, तो सुबह रहता और फिर शाम को रहता, तो उस समय आपको चाय ले लो। बाकी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सारे चिड़ियों का आवाज़ सुनाई दे रहा, अभी इतना बढ़िया लग रहा है, लाइक काइंड ऑफ मॉर्निंग रागा ऑफ द बर्ड्स, बहुत ही सही लग रहा है। एंड क्या ना, पूरा रात भर ना पीकॉक का आवाज़ सुनाई दे रहा था, पूरा रात भर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में। क्या मुझे नींद आती नहीं है जनरली, रात में नई जगह जाता हूँ, तो इसलिए पूरा रात भर मुझे सुनाई दे रहा था, 1.5 घंटे में पीकॉक गा रहा है वगैरह कर रहा है, लाइक समझ में नहीं कि रात में तो प्रेम से गा रहे थे, पर अभी सुबह होते तो एक बार भी पीकॉक आवाज़ सुनाई नहीं दिया। क्या है ना कि सामने राजा जी नेशनल पार्क है, तो बेसिकली बोलते कि यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स आते हैं, बहुत एक्जॉटिक बर्ड्स भी आते हैं, तो किंगफिशर वगैरह भी दिखता है। इस तरह से पानी गर्म होता है, बेसिकली पूरा आग नीचे जला के, वही तरीका है क्योंकि जंगल एरिया में है ना हम लोग। तो अब जैसे देख रहे हो अभी बाल्टी भरा जा रहा है, अभी वो बाल्टी हमारे टेंट में ले आएंगे, तो फिर वहाँ आराम से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हो कई सारे कैंप्स है, यहाँ भी है और आगे जाके इसी तरह के और भी कई सारे कैंप्स है। तो ऐसा तो लगता है कि एक्चुअली टोटल मिला के एक आराम से 20-25 कैंप तो है ही इस एरिया में।